आज हम लोग क्लास 11 संबंध और फलन की प्रश्नावली 2.3 हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं। ठीक ना, हमको फलन पता करना है। कारण का उल्लेख कीजिए, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो देखिए पहला देखते हैं, इसमें लिखा है 2-1, 5-1, 8-1, 11-1, 14-1 और ये 17-1। ठीक ना, तो देखिए हमने बताया था कि कोई भी फलन है ना, देखिए जैसे संबंध है, ठीक ना, कोई भी संबंध फलन तब कहलाता है जब समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का, ठीक ना, क्या या उसके संगत अब समुच्चय B के में सिर्फ एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक ना, ये हमने कहा था। ठीक ना, तो वही संबंध फलन कहलाता है। ठीक ना, देखिए प्रश्नावली 2.3 का इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये 2.3। तो ये फलन हमको पता करना है, और इसका हमने एक परिभाषा और बताया था कि देखिए कोई भी संबंध फलन तब है जब F का प्रांत A हो, मतलब समुच्चय पहला समुच्चय हो। ठीक ना, अगर फलन, अगर हम इसे बोलें फलन A से B में है, है ना, समुच्चय A के अवयव से समुच्चय B के अवयव में है, अगर ये फलन है तो F का प्रांत A होना चाहिए, है ना, मतलब समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक ना, ठीक ना, प्रत्येक अवयवों का। और इसके ये पहला कंडीशन बताया था। दूसरा बताया था कि लिखा था कि F के क्रमित युग्मों के पहले घटक समान न हो। ठीक ना, पहले घटक बराबर एक जैसे नहीं होने चाहिए। ठीक ना, तो इस हिसाब से अब हम इन संबंधों को पता करेंगे फलन है कि नहीं। देखिए अगर इसमें बात करें तो पहला जो घटक है इसमें 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 और 17 कोई भी समान नहीं है, लिखेंगे अतः यह एक फलन है। फिर यदि यह फलन है तो इसका हमें परिसर निर्धारित करना है। ठीक ना, तो परिसर निकालना है तो परिसर निकाल लेते हैं। तो देखिए हम प्रांत भी निकाल देते हैं। प्रांत क्या होता है, पहले घटक का समुच्चय है ना, पहले घटकों का समुच्चय। तो देखिए 2, 5, 8, 11, 14 इनको अलग लिख लेते हैं। 2, 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक ना, और परिसर क्या हो जाएगा, तो परिसर हो जाएगा दूसरे घटक का समुच्चय। तो इन क्रमित युग्मों का दूसरा घटक क्या है, देखिए 1, 1, 1, 1, 1, 1, मतलब ये 1 ही है। तो इस प्रकार ये परिसर प्राप्त हो गया। देखिए इसमें हमको प्रांत नहीं निकालना है, फिर भी हमने प्रांत निकाल दिया है। देखिए दूसरा भाग में लिखा है, इसमें लिखा है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 14, 7 दिया। ठीक ना, तो हम इनके पहले घटक को देखेंगे, कोई बराबर तो एक जैसा तो नहीं है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कोई भी बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः यह एक फलन है। ठीक ना, तो अब इसमें प्रांत चाहिए, परिसर चाहिए हमको। तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर द्वितीय घटक जो भी हैं उनको लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इस प्रकार परिसर ज्ञात हो गया। प्रांत अगर निकालेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएगा। ठीक ना, तो अब तीसरा भाग देखते हैं इसका, इसमें लिखा है 1, 3, 1, 5,
दो पाँच, ठीक ना। तो इसमें देखिए दो पहले घटक जो है दोनों बराबर आ गए, ठीक ना, तो इसलिए ये संबंध पर फलन नहीं है। लिखेंगे चूंकि यहाँ दो क्रमित युग्मों का पहला घटक या के पहले घटक समान हैं, समान हैं, अतः यह एक फलन नहीं है। तो इस प्रकार पहला भाग के सभी, पहले प्रश्न के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। प्रश्न नंबर दो में है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहला भाग देखते हैं, इसमें लिखा है एफ एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स, ठीक ना। तो इसका ये क्या है, मापांक फलन है ये, ठीक ना। इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक ना। तो इस फंक्शन की क्या खासियत होती है कि आप यहाँ एक्स का कोई भी मान रखेंगे तो उसका, देखिए पहले हम इसको ये एफ एक्स निकाल के देखिए, ये है मॉडुलस, ठीक ना। ये माइनस वाला है, इसको हम बताते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए मॉडुलस है और एक्स का, इसका मतलब होता है कि एक्स का आप कोई भी मान रखिए, ठीक ना। यहाँ पर हमको लिखा है वास्तविक फलन है, इसलिए आप एक्स का कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं या वास्तविक मान रख लीजिए। तो यदि इस जो मॉडुलस है इसमें अगर एक्स का मान अगर हम ऋणात्मक संख्या रखें तो ये मॉडुलस उसको प्लस कर देता है, ठीक ना। जैसे यदि हम मॉड माइनस थ्री बोलें तो इसका जब आंसर आएगा तो ये प्लस थ्री हो जाता है, ठीक ना। मतलब कोई भी ऋणात्मक संख्याओं को ये प्लस कर देता है, मॉडुलस यही होता है, ठीक ना। जैसे माइनस एक लिखा हुआ है तो ये वन, मतलब एक बाहर आ जाएगा, प्लस वन का आएगा, ठीक ना। यदि ये शून्य है तो शून्य का तो शून्य होता है, ठीक ना। शून्य ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। यदि यहाँ पर धनात्मक तीन रखें, प्लस थ्री है ये, तो इसका आंसर थ्री आता है, ठीक ना। मतलब इसका धनात्मक के धनात्मक संख्या तो धनात्मक ही रहेंगे, धनात्मक के पर इस मॉडुलस का असर नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं। मतलब धनात्मक संख्या का में मगर इसके अंदर रखें तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये है कि ऋणात्मक संख्या प्लस में हो जा रही है, ठीक ना। तो इसको देखिए, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। जैसे इसको, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये ना प्लस वाले के संग में इस मॉडुलस का महत्व नहीं हो रहा है, इसलिए हम प्लस वाली संख्या को अलग लिख लेते हैं। देखिए जैसे, देखिए ये होगा यदि एक्स बड़ा हो बराबर हो जीरो से, है ना। मतलब जीरो अब प्लस संख्या, वन टू थ्री फोर प्लस संख्या है, तो ये एक्स एक्स ही रहेगा, ठीक ना। जो भी मान रखेंगे आप वही आपको वन मिल जाना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए अगर एक्स अगर छोटा हो जीरो से, इसका मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये सब प्राप्त हो जाए, तो हम इसको माइनस एक्स फन की तरह लेंगे, ठीक ना। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि अगर ये माइनस थ्री है तो इसमें माइनस थ्री को जब प्लस थ्री करेंगे तो इसका मतलब हम इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना, यानी गुणा कर रहे हैं। तो माइनस थ्री है, इस माइनस थ्री को जब हम इस माइनस के संग गुणा करेंगे तभी ये संख्या प्लस में आएगी, ठीक ना। तो इसका मतलब हम जब कोई भी संख्या छोटा रखेंगे जीरो से माइनस में रखेंगे तो हम ये वाला फंक्शन काम करेंगे, ठीक ना। देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस वन रख के देखते हैं एक बार, अगर माइनस वन रखे तो हम माइनस मतलब जीरो से कम वाला है तो हम ये वाला फंक्शन काम करेंगे। तो ये वाला अगर हम लिख लिए तो देखिए एक्स के स्थान पर माइनस वन रखेंगे तो एक कुल मिलाकर ये प्लस आ जा रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार इस मापांक फलन को हम दो तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। एफ एक्स हमने इस तरह ब्रेक कर लिया। यदि हम अब देखिए, अब हमको क्या दिया था, माइनस मॉड ऑफ एक्स, ठीक ना। तो इसको हम अगर इसी तरह एक्सपेंड करें, खोलें, तो हमारा क्या जाएगा, जो चीज़ हमने यहाँ पे प्लस में लिया है उसको हम माइनस में ले लेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये प्लस में है तो माइनस एक्स हो जाएगा,
यक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए, और ये माइनस में है तो ये प्लस में लिख लेंगे, तो यक्स लेस देन जीरो, ठीक ना। तो इसका विस्तार रूप हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए, यदि हम इसको प्रांत देखें, प्रांत क्या निकालना है, तो प्रांत को डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या होता है, तो डोमेन में वो अवयव आते हैं या वो संख्या आती है जिसको हम किसी फलन में रखते हैं, ठीक ना। जैसे इसमें हम यहाँ x का मान रखेंगे, और x का मान कहाँ तक रख सकते हैं, तो हमको ये पहले ही बोला है कि ये वास्तविक फलन है, इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याओं को हम यहाँ रख सकते हैं। तो सभी वास्तविक संख्याओं को केवल r से हम दिखाते हैं, ठीक ना। पहले पार्ट में हमने पढ़ा है r सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक ना। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक ना। ये हो गया, तो अब प्रांत हो गया, तो अब परिसर ज्ञात करते हैं। तो परिसर क्या होता है, इसका मतलब होता है रेंज, ठीक ना। और रेंज का सरल भाषा में बात करें तो ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को रख रहे हैं, किसी फलन में अगर आप फंक्शन में रख रहे हैं, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक ना। जो भी आंसर आता है उसी को रेंज बोलते हैं, ठीक ना। एफ एक्स जो भी आएगा उसी को हम रेंज बोलेंगे। तो देखिए, हम इसमें आ क्या रहा है वो देखते हैं। यदि हम कोई भी ऋणात्मक संख्या रखते हैं, ठीक ना, देखिए अगर हम इसमें इस वाले में यदि हम यक्स बराबर अगर जीरो रखें, ठीक ना, तो अगर हम जीरो रखें तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जीरो आएगा, ठीक ना। जीरो का ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, तो ये जीरो बाहर आएगा, तो ये माइनस है तो माइनस लग गया। इसका मतलब ये जीरो हट, मतलब माइनस नहीं लिखते हैं, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। इस प्रकार इसका आंसर हमको शून्य प्राप्त हो गया। यदि हम माइनस वन रखें तो माइनस माइनस वन, देखिए ये माइनस प्लस वन बन के आएगा, मगर ये माइनस होने के कारण इसको माइनस कर दे रहा है। फिर यदि हम यक्स का मान माइनस दो रखें तो देखिए माइनस दो रखें तो ये माइनस दो बाहर आएगा तो प्लस दो हो जाएगा, मगर ये माइनस होने के कारण ये माइनस हो जा रहा है, ठीक ना। मतलब यदि हम कोई भी ऋणात्मक संख्या ही क्यों न रखें, हमको आंसर भी ऋण ही संख्या प्राप्त हो रहा है। अब प्लस रख के देखते हैं इसमें, देखिए अगर हम यक्स का मान वन रख के देखें तो ये हो जाएगा वन, तो ये वन वन ही रहेगा, ये माइनस लग गया, ठीक ना। तो मतलब ऋण में संख्या मिला। यक्स बराबर अगर हम दो रख दें, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस दो, और ये माइनस दो प्प्लस हो जाएगा, मगर ये माइनस लगाए तो माइनस लग जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो हमको देखिए जीरो पद जीरो मिल गया, ठीक ना। और अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर हम रख रहे हैं तो हमको ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त हो रहा है, और अगर धनात्मक संख्या भी रख रहे हैं तब भी हमको ऋण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। मतलब हमको प्राप्त कहाँ से हो रहा है, जीरो से माइनस इन्फाइनाइट तक, ठीक ना। तो हमको ये देखिए जीरो भी मिला है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए ऐसे जीरो कहाँ तक, माइनस इन्फाइनाइट तक, ऐसे, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हमको रेंज प्राप्त हुआ। देखिए हम जीरो को शामिल करेंगे, इसलिए इस ये वाला कोष्टक बड़ा कोष्टक लगाया है और ये छोटा कोष्टक लगाया है, ठीक ना। इनफाइनाइट को छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। तो इस प्रकार पहला भाग हो गया। अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। देखिए दूसरा भाग इसका एफ एक्स बराबर करनी में नौ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो इसका हम पहले प्रांत ज्ञात करेंगे फिर इसका परिसर ज्ञात करेंगे। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए देखिए क्या होता है, ये जो इसके अंदर का चीज है वो देखिए ये लिख देते हैं हम माइनस नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ये जो अंदर का चीज़ है वो चीज़ देखिए यहाँ पर ऋण में नहीं होना चाहिए। इस फलन को पहले हम देख कर इतना पता चल रहा है कि ये जो ऋण के अंदर, ये जो करनी के अंदर जो भी संख्या रखा है, इस पूरे का मान ऋण में नहीं आना चाहिए, ठीक ना। क्यों, क्योंकि करनी के अंदर अगर माइनस में आ गया कोई चीज़, ठीक ना, तो इसको भी हम यहाँ परिभाषित नहीं करते हैं, ठीक ना। इसको हम ये अवास्तविक संख्याएँ हो जाती हैं, तो इसको यहाँ पर हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए हमको याद रखना है कि इसको ये इसका मान बड़ा होना चाहिए, ठीक ना।
करणी के अंदर माइनस में नहीं होता है। देखिए क्लास 10 में भी आपने पढ़ा था कि यदि करणी के अंदर माइनस में माइनस 3 आ गया, माइनस 33 आ गया, तो ये अवास्तविक संख्या लिखते थे, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए इसका मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए जीरो से, ठीक ना। हमको इतना प्राप्त हो गया, इतना पता चल गया, ठीक ना। इसका मान प्लस से या तो बराबर जीरो आ जाए, जीरो आया तो कोई बात नहीं, अब बड़ा आएगा तो फिर भी इसका कुछ मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इसको हल करें तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इसको हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस 9 आ जाएगा, ठीक ना। अब जब ये माइनस माइनस दोनों तरफ से हटाएंगे या माइनस का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो देखिए ये तो प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। मगर जब ये होते हैं, जब इसका जब माइनस चर के संग माइनस जब हटाते हैं तो चिन्ह ये इक्वलिटी का चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। इधर ग्रेटर देन है, अब लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ठीक ना। छोटा है या बराबर है किसके, ये 9 के हो जाएगा, ठीक। अब ये वर्ग है तो वर्गमूल लगा देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3, ठीक ना। मतलब एक्स का मान छोटा हो या बराबर हो 3 के या माइनस 3 के, ठीक ना। अब देखिए इसको हम संख्या रेखा पर अगर हम दिखाएं तो देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है एक बार माइनस 3 लिखा है और ये प्लस 3 रखा है, ठीक ना। एक प्लस एक माइनस 3 प्लस 3 है, ठीक ना। जब इसका वर्ग, ये वर्ग इस पर वर्गमूल लगता है तो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह आता है। अब देखिए 3 है, प्लस माइनस 3 है, तो इस संख्या रेखा को देखिए हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 1, 2, 3 में, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब हम देखेंगे कि एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक में आएगा, तो हम देखेंगे क्या इसमें आ रहा है क्या, माइनस 3 से इस तरफ जो भी संख्या है क्या एक्स का मान इसमें होगा क्या। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पे जो भी कोई मान उठाकर इसमें रख लेंगे और इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये संतुष्ट करता है कि नहीं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 4 आएगा, इस माइनस 4 को हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं। देखिए माइनस 4 का स्क्वायर अगर करें तो क्या इस इक्वलिटी को संतुष्ट करेगा, तो 4 चौक 16, ये तो देखिए छोटा नहीं है और ना ही बराबर है, इस प्रकार इसमें वाले में रेंज में नहीं आएगा, तो ये माइनस है ना, हटा दिया, इस ये वाले रेंज में नहीं आया। अब देखिए इनमें देखते हैं, तो इस माइनस 3 और 3 के बीच में कोई एक संख्या ले लेते हैं, तो 2 ले लेते हैं, 2 रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ 2 रख के देखते हैं, इसमें इसी वाले में 2 रख के देखते हैं, 2 का वर्ग 4 आया, 4 छोटा है 9 से, ठीक ना, बराबर नहीं है मगर छोटा है, इसलिए ये वाला आएगा, ठीक ना। इस अंतराल में एक्स का मान आएगा, क्या इसके बाद वाले में भी आएगा क्या, तो इसको रख के देखेंगे, तो 3 के बाद कोई एक संख्या 4 ले लेते हैं, तो 4 रख के देख लेते हैं, 4 का वर्ग 16, न तो छोटा है न तो बराबर है 9 के, तो इस प्रकार इस वाले में नहीं आएगा, ठीक ना। तो एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर गया, ग्रेटर देन माइनस 3 और लेस देन 3, ठीक ना। अब देखिए कि क्या माइनस 3 और 3 को भी शामिल करना है कि नहीं, तो क्या करते हैं, माइनस 3 को ही रख के देख लेते हैं इसमें। तो माइनस 3 अगर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो 9 सही आ रहा है, बराबर 9 आ रहा है, इसलिए माइनस 3 को भी लेंगे, इसलिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, इक्वल टू बराबर, इसको भी लेंगे हम लोग। और ये 3 है तो 3 भी रखेंगे तो देखिए आएगा यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, ठीक ना। तो मतलब इस 3 को भी ले लेंगे तो बराबर कर लिया। तो देखिए x का मान कहाँ से कहाँ तक आ गया, तो ये जो x का मान आ रहा है, ठीक ना, वही प्रांत कहलाता है। तो हमको देखिए प्रांत क्या प्राप्त हुआ, देखिए ये हो जाएगा, देखिए 3 को भी शामिल किया, माइनस 3 को भी शामिल किया, इसलिए बड़ा क्वेश्चन लगेगा, माइनस 3 से 3 तक, ठीक ना। अब देखिए ये तो हमारा प्रांत आ गया, अब परिसर ज्ञात कर लेते हैं इसे। ये जो ये लिखा हुआ है इसको देखो, एफ एक्स जो है वो तो वाई ही है, हम लिख लेंगे वाई बराबर करनी में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो करनी हट जाएगी, यहाँ पर वर्ग लग जाएगा, तो हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्स स्क्वायर को बाई तरफ पक्षांतर करेंगे, ये वाई स्क्वायर को दाई तरफ, तो ये प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक ना। देखिए एक्स स्क्वायर का मान जो भी आएगा छोटा होगा या बराबर होगा 9 से,
तो अगर हम ये जो x स्क्वायर का मान ये जो आया है ठीक ना, ये x स्क्वायर के स्थान पर हम ले सकते हैं, या तो यहाँ पर इसको ही ये समझ लीजिए, या तो इसको उठाकर यहाँ रख लिया, x स्क्वायर का मान ये रखा है तो हमने ये रख लिया, और क्या है लेस देन और इक्वल टू 9 ठीक ना, ये रख लिया। अगर हम y स्क्वायर का मान ज्ञात करें, देखिए ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 9 में 9 हो गया, 0 हो गया ठीक ना, और जब ये माइनस हटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये इक्वलिटी का सिंबल उलट जाता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, यदि x स्क्वायर है तो y स्क्वायर है तो ये y का मान 0 के बराबर या तो बड़ा होगा 0 से ठीक ना। देखिए इसमें दिया है y का मान, देखिए बराबर 0 है ठीक है, बड़ा है 0 से, मगर कितना बड़ा है, कहाँ तक हमको जाना है उसको भी तो बंद करना होगा ना। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन देखते हैं कि देखिए इसमें लिखा है कि ये जो मिला हमको ठीक ना, यक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 ठीक है। अब देखिए यक्स स्क्वायर जो होगा, ठीक है यक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा बराबर होगा 0 के ठीक ना। देखिए अगर इससे भी अगर देखें तो यक्स के स्थान पर कोई भी मान रख लें अगर हम ठीक ना, कोई भी मान रख लें, चाहे प्लस रखें चाहे माइनस रखें, ऋणात्मक संख्या रखें, हमको इस स्क्वायर के कारण ये इसका मान जो आएगा वो प्लस में आएगा ठीक ना। 0 से कोई भी धनात्मक संख्या हमको प्राप्त हो सकती है, देखिए 2 रखेंगे माइनस 2 रखेंगे तो 4 आएगा, माइनस 3 रखेंगे तो 9 आएगा है ना, प्लस में आएगा। तो ये हमको समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमको देखिए एक्स स्क्वायर जो है ये मान रखा हुआ है ठीक ना, तो इसको हम उठा के यहाँ रख लेते हैं तो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ठीक ना। तो अब हमको वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, देखिए इसको हम पक्षांतर कर देते हैं इधर, अजय माइनस हटाएंगे तो इक्वलिटी का सिंबल उलट जाता है ठीक ना। तो ये ग्रेटर देन था, अब लेस देन इक्वल टू हो गया। अब ये वर्ग लगाएंगे इस पर तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए वर्ग लगा तो 9 का कितना जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा ठीक ना। तो मतलब y का मान कहाँ से कहाँ वेरी कर गया, माइनस 3 से 3 के बीच में ठीक ना। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस 3 और लेस देन और इक्वल टू 3, देखिए इसका मतलब ये होता है ठीक ना, माइनस 3 से बड़ा होगा मगर 3 से छोटा होगा, 3 के बराबर हो सकता है। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है ठीक ना। वाई क्या होना चाहिए, 0 से 0 के बराबर और 0 से बड़ा ठीक ना, और यहाँ लिखा है माइनस 3 के बराबर या 3 से माइनस 3 से बड़ा, और कहाँ तक चाहिए, 3 तक चाहिए ठीक ना। तो अगर हम इसका जो कॉमन पार्ट है, उभयनिष्ठ पार्ट है, वही तो y का मान होगा, तो 0 से बड़ा या 0 से, तो हमको 0 से लेकर आगे चलना है कहाँ तक, 3 तक चलना है ठीक ना। तो हमको रेंज क्या आ जाएगा, रेंज या परिसर बोलते हैं इसे, तो परिसर हो गया 0 से लेकर 3 तक ठीक ना। इसको याद रखिएगा, 0 से लेंगे हम और 3 तक लेंगे ठीक ना, 3 से आगे नहीं जाएं। देखिए इसमें जरूर बता रहा है कि 0 से बड़ा कितना, तो वही हम इसको कब बंद करने के लिए कहाँ तक, 3 तक बोल रहा है, इसलिए 0 से 3 तक इसका परिसर हो गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 के दोनों भाग हो गए। देखिए प्रश्न नंबर 2 में जो हमको रेंज निकालना था, रेंज में और भी कई तरीके हैं, जैसे अगर हमने माइनस 3 और 3 के बीच में ये जो प्रांत निकाला है, इसको क्या करते हैं कि इसको माइनस 3 को यहाँ रखिए, जो मान आए उसको देखिए, फिर 3 को रखिए, जो मान आए उसको देखिए, वही उसका रेंज भी निकलता है ठीक ना। और भी कई तरीके हैं, मगर हमने जो नियम से निकलता है वो हमने आपको बता दिया ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 निकालते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है, एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x-5 द्वारा परिभाषित है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला मान ज्ञात करना है f0 ठीक ना, इसका मतलब हुआ कि x का मान 0 रख के आप इसका मान ज्ञात करिए। तो हम यहाँ 0 रख लेते हैं, देखिए यहाँ पर 0 रख लिया -5, तो ये तो 0 हो जाएगा, -5 बराबर ये -5 प्राप्त हो गया, तो f0 का मान -5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरा है f7 है, तो x के स्थान पर हम 7 रख देंगे, 2×7-5, 7×2=14-5, तो ये जाएगा 9, तो f7 कितना आया, 9 आ गया। अब तीसरा भाग देखते हैं इसका,
माइनस तीन रखना है, एफ माइनस तीन, तो जहाँ एक्स मिले हमको वहाँ पर माइनस तीन रखना है, तो ये रख दिया तो माइनस छः माइनस पाँच, छः पाँच ग्यारह, तो माइनस ग्यारह, तो एफ माइनस तीन माइनस ग्यारह आ गया। तो देखिए बहुत छोटा ही सवाल था, प्रश्न नंबर तीन का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर चार देखते हैं। प्रश्न नंबर चार में है फलन टी, ठीक ना, फलन एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, टी में दिया है, यहाँ पर टी में भी हो सकता है, सेल्सियस तापमान का फारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, ठीक ना, मैपिंग करता है, प्रतिचित्रण मैपिंग कहलाता है। जो देखिए लिखा हुआ है टी सी बराबर नाइन सी बटे फाइव प्लस 32 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्या लिखा है, टी जीरो, ठीक ना, मतलब सेल्सियस का मान यहाँ पर जीरो रखना है, सी का मान जीरो रखना है, ठीक ना, सी का मान जीरो है तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, नाइन गुणे शून्य बटे पाँच प्लस 32, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, नौ गुणे जीरो मतलब ये सब जीरो ही हो जाएगा, जीरो जीरो बटे पाँच मतलब जीरो, तो हो गया 32 प्राप्त हो गया, तो टी जीरो का मान 32 प्राप्त हो गया। देखिए दूसरा भाग में है टी 28, है ना, सी का मतलब 28 रखना है अपने को, तो यहाँ रख लेते हैं 9 गुणे 28 बटे 5 प्लस 32, तो इसको हल कर लेते हैं, पहले इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, 8 नवा 72 हासिल 7, और 9 दूनी 18, 18 और 7 25 बटे 5 प्लस 32, ठीक ना, इसका गुणा कर लेते हैं, 252 प्लस 5 दूनी 10, 5 थी 15 एक 16 बटे 5, तो जोड़ेंगे तो 2 6 5 11 2 3 1 4 412 बटे 5, तो टी 28 का मान आ गया 412 बटे 5। देखिए तीसरा भाग है इसमें टी लिखा है माइनस 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ रख लेते हैं टी गुड़े माइनस 10 बटे 5 प्लस 32, तो जगह 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18 प्लस 32, तो 32 में 18 को हटाना है बस, तो 18 2 20 10 30 ये हो गया 14, ठीक ना, तो ये 14 हो गया। चौथा भाग देखते हैं, इसमें बस कैलकुलेशन करना है, मान रखते जाइए आंसर आता जाएगा। इसमें लिखा है सी का मान ज्ञात करना है, जब देखिए क्या लिखा है टी सी बराबर 212, है ना, ये मान दिया है, तो देखिए ये जो लिखा है पूरा फलन के रूप में इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले देखिए टी सी बराबर 9 सी बटे 5 प्लस 32, तो इसका मान हमको 212 दिया हुआ है, यहाँ हम रख लेते हैं 212 बराबर 9 सी बटे 5 प्लस 32, 32 पक्षांतर कर लेते हैं बाई तरफ, तो 212 माइनस 32 बराबर 9 सी बटे 5, तो इसको घटा लेंगे, 9 2 में 2 गया शून्य, और ये है तो 18, ये 18 180 आ गया बराबर 9 सी बटे 5, तिरे गुणा कर लेते हैं इसका, तो c बराबर कितना जाएगा 180 गुणे 5 बटे 9, तो ये जाएगा 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो 20 पंचे 100 आ गया। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 4 के सभी भाग कर लिया। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक ना, तो परिसर ज्ञात करना है, देख लेते हैं इसमें। पहला भाग है एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3 एक्स, और क्या दिया है एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक ना। देखिए हमको परिसर ज्ञात करना है, इसका मतलब हमको एफ एक्स ज्ञात करना है, ठीक ना, मतलब क्या होता है एक्स अगर रखते हैं हम यहाँ एक्स का मान रखेंगे तो हमको एफ एक्स का मान प्राप्त होगा, तो ये क्या चीज़ है एक्स जब हम रखते हैं तो उसको प्रांत बोलते हैं, और जो मान आता है मतलब इसमें हमको एफ एक्स का मान आएगा तो हमको परिसर हो जाएगा। तो देखिए हमको पहले दिया क्या है, ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक ना, यदि हम दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं,
जीरो गुणा करेंगे तो यहाँ तीन का गुणा करेंगे तो यहाँ जीरो, तो जीरो ही रह जाएगा, ठीक है ना। जीरो गुणे तीन जीरो। अब देखिए थ्री एक्स, अब दोनों पक्षों में माइनस माइनस लगाएंगे, तो देखिए माइनस अगर हम लगाएंगे यहाँ पर तो ये इक्वलिटी जो ग्रेटर देन है वो स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ माइनस लगाने से कोई मतलब है नहीं, दोनों पक्षों में माइनस गुणा किया है तो माइनस देखिए जीरो के संग कोई भी संख्या गुणा करिए तो जीरो ही रहता है, ठीक ना। इसलिए ऐसे ही लिखा है, बस ये चिन्ह बदल जाता है, जब माइनस लगाया तो बदल जाएगा या माइनस से हटाएंगे तो वापस चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में दो जोड़ दीजिए, यहाँ दो जोड़ दिया, यहाँ भी दो जोड़ दिया, दोनों पक्षों में दो दो जोड़ दिया, तो ये प्राप्त हो गया। देखिए जीरो प्लस दो मतलब ये दो हो गया। ये क्या चीज़ लिखा हुआ है तो ये देखिए एफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक, मतलब ये लिखा है लेस देन टू, है ना, दो से छोटा, दो भी नहीं। तो इसका देखिए परिसर क्या हो गया, परिसर हो जाएगा, देखिए दो को शामिल नहीं करना है, ठीक ना, तो ये छोटा विकट, ठीक ना, ये हो गया छोटा कोष्टक की मतलब दो को शामिल नहीं करेंगे। और कहाँ तक छोटा, और इसके बाद कुछ दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि माइनस इन्फाइनाइट से, तो माइनस इन्फाइनाइट से टू तक इसका परिसर ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना, ये रेंज हो गया। इसी प्रकार दूसरा भाग में है उसको भी देख लेते हैं, यहीं पर दूसरे में है, दूसरा दिखा हुआ है, देखिए एफ एक्स बराबर यक्स स्क्वायर प्लस टू, और लिखा है यक्स एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक ना। तो अब इसमें देखते हैं क्या निकलेगा, हम देखिए ये एक वास्तविक संख्या इतना दिया है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है कि तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमको इतना हम तो लगा सकते हैं कि यक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक ना, यक्स के स्क्वायर का मान कभी भी ऋण में तो नहीं आएगा, ठीक ना, यक्स स्क्वायर में कोई भी यक्स का मान कोई भी ऋणात्मक संख्या रखिए प्लस में ही आएगा, ठीक ना, जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा आएगा, ऋण में नहीं आएगा इसका मान, इतना तो हो गया, तो हमने अपनी तरफ से लगा लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस टू कर देते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस टू और जीरो प्लस टू, दोनों तरफ दो जोड़ दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। अब देखिए ये क्या चीज़ लिखा है, एफ एक्स ही लिखा हुआ है, तो एफ एक्स का मतलब ये परिसर ही बता रहा है, ठीक ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो देखिए इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर रेंज देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बराबर जीरो बोल रहा है, ठीक ना, मतलब सॉरी बराबर दो बोल रहा है, मतलब हम दो को शामिल करेंगे और कहाँ तक करेंगे, तो ये बड़ा है दो से, दो से बड़ा बस बोल दिया, तो मतलब हम इसको अनंत तक ले जाएंगे, तो ये लिखेंगे दो से अनंत तक, ये हो गया, ठीक ना, तो ये हो गया इसका परिसर। एक अंतिम भाग और बचा है उसको भी यहीं कर लेते हैं, देखिए थर्ड में है एफ एक्स बराबर एक्स, यक्स एक वास्तविक संख्या है, ठीक ना, यक्स एक वास्तविक संख्या है, देखिए यक्स का मान यहाँ पर आप कोई भी वास्तविक संख्या अगर रखें आप, ठीक ना, तो हमको एफ एक्स भी वही चीज़ प्राप्त होगा, है ना, बराबर एक्स है, ठीक ना, तो ये हो गया इस प्रकार का है, तस्मक फलन है ये, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन है ये, तो जो रखेंगे वही प्राप्त होगा, मतलब यदि हम सभी वास्तविक संख्या अगर रखेंगे, देखिए एक्स बोल रहा है वास्तविक संख्या है, तो कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो देखिए प्रांत तो आर हो गया, तो इस प्रकार परिसर में भी तो वही हो जाएगा, तो परिसर क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक ना, तो इस प्रकार परिसर आर हो गया। तो देखिए प्रश्न, इस प्रश्नावली के सभी भाग हो गए।